हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी फिल्म मेकर और मैं हूं परवेज एक बार फिर आपके साथ। गाइज, आज से करीब एक साल पहले एप्पल ने अपना खुद का प्रोसेसर लॉन्च किया। जी हाँ, M1 चिप, जिसके बारे में क्लेम किया कि वो इंटेल बेस्ड प्रोसेसर जितने लैपटॉप्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा फास्ट और एफिशिएंट है। ना, आज का वीडियो कोई अनबॉक्सिंग नहीं है, ये तो मेरे DOP चैतन्य ने अपने लिए खुद के पर्सनल यूज़ के लिए ये लैपटॉप खरीदा था, तो मैंने सोचा कि अगर है तो इसके बारे में थोड़ा सा खुद भी रिसर्च कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक M1 चिप पे काम करके नहीं देखा था। बट जब मैंने करके देखा तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए और बताना चाहिए लोगों को कि ये मशीन एक एडिटर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है या ये मशीन एक एडिटर के लिए कितनी हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये एडिटिंग के लिए बेस्ट क्यों है और इसके और कौन से ऐसे ड्रॉबैक्स हैं जिनके वजह से एडिटर परेशान हो सकते हैं। जी हाँ, इसमें है, एकदम बेस्ट मशीन नहीं है लेकिन कईयों से बेहतर है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज़ की जो सबसे मेन है। जी हाँ, इसका प्रोसेसर, जो इसी सेगमेंट के इंटेल प्रोसेसर के कई लैपटॉप से काफ़ी एफिशिएंट और तेज़ है। जी हाँ, दी M1। एक कंटेंट क्रिएटर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसके इक्विपमेंट का बेस्ट परफॉर्मेंस देना। और यकीन मानिए, एज एन एडिटर जब मैंने इस मशीन पे काम किया तो आई वॉज एक्चुअली सरप्राइज्ड। जिस रॉ फुटेज को मैं लो रेजोल्यूशन प्रॉक्सीज बना के एडिट करता था, उसी सेम फुटेज को मैंने बिना किसी कन्वर्जन के एडिट किया। और यकीन मानिए, मेरे को बिल्कुल भी ये नहीं लगा कि लैपटॉप कहीं पे हैंग हो रहा है या फिर एफिशिएंसी में कोई कमी है। लेकिन हाँ, अगर आप उस फुटेज पे डीनोइजर या नीट वीडियो जैसा कोई प्लगइन डाल के रेंडर करेंगे तो ये थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, क्योंकि इस लैपटॉप के अंदर डेडिकेटेड GPU नहीं है। ये टास्क तो तब भी कम्प्लीट करेगा लेकिन थोड़ा स्लो करेगा। तो अब आते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी पे। आई थिंक मार्केट में इतना पोटेंशियल रखने वाली मशीन्स में से ये सबसे स्लिमेस्ट है और लाइटवेट भी। लेकिन लाइटवेट और स्लिम होने के बावजूद मैकबुक प्रो काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि ये कंप्लीट मेटल बॉडी में आता है विच इज़ एल्युमिनियम। काफ़ी कंपनियों के हाई एंड लैपटॉप्स इतने बल्की होते हैं कि उनको बैग में रखने के बाद ये डर रहता है कि कहीं हल्के से भी प्रेशर से उसकी स्क्रीन पे ना असर पड़ जाए। जब बात स्क्रीन की ही निकली है तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इसकी स्क्रीन का कोई जवाब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अरे भाई, नहीं है बोला नहीं है, अरे पर्सनल एक्सपीरियंस है यार। सी, सबसे पहले तो इसके अंदर आपको रेटिना डिस्प्ले मिलता है विद 500 nits ऑफ ब्राइटनेस, यानी कि इंडोर के साथ साथ, इंडोर में तो आप वैसे भी यूज कर पाएंगे लेकिन अगर आप आउटडोर भी हैं तब भी आपको विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन और स्क्रीन की शार्पनेस एक एडिटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको ट्रू टोन देती है जिससे एक एडिटर को कलर करेक्शन करने में काफी मदद मिलती है। जी हाँ, कलर करेक्शन, नॉट कलर ग्रेडिंग, फर्क है, किसी और एपिसोड में जानेंगे। अब बात करते हैं इसके ट्रैक पैड की। इसका ट्रैक पैड इस सेगमेंट में सबसे बड़ा है और रेस्पॉन्सिव भी। तो अगर आप एक फ्रीलांस एडिटर हैं जिसको ट्रैवल करना पड़ता है और अगर आप माउस कैरी नहीं कर रहे हैं तब भी आपको एडिट करने में उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये ट्रैक पैड आपको काफ़ी रेस्पॉन्स देता है और आपको हेल्प करता है एक बेटर एडिट करने में। तो अब आते हैं टच बार पे। गाइज, ये एक ऐसा फीचर है इस लैपटॉप में जो अलग अलग व्यू पॉइंट रखता है अलग अलग लोगों में, क्योंकि ये कुछ लोगों को पसंद भी है, कुछ लोगों को ये अननेसेसरी लगता है, शो ऑफ लगता है। बट फ्रेंकली, अगर आपको इसका यूज समझ में आ गया ना तो ये आपका ऑल टाइम फेवरेट टूल बन सकता है, स्पेशली एडिटर्स के लिए जिसमें उनको अगर टाइमलाइन स्क्रॉल करना हो वो कर सकते हैं, टूल्स सेलेक्ट करने हो जैसे सीजर हो गया, रिपल डिलीट हो गया, ये सारी चीज़ें आप उस टच बार पे यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं स्पीकर्स पे। स्पीकर्स, गाइज, इस तरह के छोटे लैपटॉप्स में ना नॉर्मली देखा जाता है कि स्पीकर्स कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं आते, और अगर स्पीकर्स लैपटॉप में अच्छे ना हो तो कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। नहीं, लेकिन मैकबुक, स्पेशली मैकबुक प्रोज आपको इसकी कमी महसूस ही नहीं होने देते, क्योंकि इनके स्पीकर्स की क्वालिटी काफ़ी बेटर है जो आपको क्रिस्टल क्लियर साउंड देती है, चाहे वो लोज हो, मिड्स हो या कई हद तक बेस भी।
वैसे तो एडिटिंग आइडियली हेडफोन्स पे करनी चाहिए या फिर स्टूडियो मॉनिटर्स पे करनी चाहिए, लेकिन अगर आपको अपना फाइनल आउटपुट सुनना है ना, तब भी आपको मैकबुक प्रो के स्पीकर्स काफी क्लोज टू रिजल्ट देते हैं, जिससे आप अपने साउंड को सही तरीके से जज कर पाते हैं। गाइज, वैसे आजकल वन मैन सेटअप का काफी चलन है, यू नो। वेल, कभी आपको एडिटिंग के साथ साथ आपके प्रोजेक्ट में अगर वॉइस ओवर भी करना है, तब भी ये लैपटॉप आपको काफी यूजफुल होगा, क्योंकि मैकबुक प्रो में आपको मिलते हैं 3 सेट्स ऑफ माइक्रोफोन जो आपको देते हैं स्टूडियो क्वालिटी। और अभी जो आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, ये मैंने उसी पे रिकॉर्ड की है। जी हाँ दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको मैकबुक प्रो में वन ऑफ द बेस्ट, फाइनेस्ट, रिफाइंड माइक्रोफोन मिलता है, जो आपको इस सेगमेंट के किसी लैपटॉप में नहीं मिलेगा। इनफैक्ट किसी लैपटॉप में ही नहीं मिलेगा। तो बस आपके पास में अगर बजट नहीं है, आप स्टूडियो हायर नहीं कर सकते हैं और आपको अपने ही वीडियोस पे वॉइस ओवर करना है और आपके पास में माइक भी नहीं है, तो फिकर नॉट, एक कोना पकड़िए जहां पे कोई ज्यादा शोर नहीं है और बस अपना वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर डालिए। कीबोर्ड, एप्पल ने अपने कीबोर्ड्स में बटरफ्लाई मैकेनिज्म हटा के, जो कि पहले के लैपटॉप्स में आ रहा था, नए वाले लैपटॉप्स में सीजर बेस्ड मैकेनिज्म लेके आए। और सच मानिए, जब आप इसके कीबोर्ड पे ना टाइप करने लगते हैं ना, तो आपका फ्लो बहुत अच्छा बनता है। मतलब इतना स्मूथ, इतना रिस्पॉन्सिव है कि टाइप करने में ना मजा आ जाता है। और इस सेगमेंट में अभी तक का बेस्ट कीबोर्ड है। इसकी बैटरी लाइफ भी काफी इंप्रेसिव है। और अगर आगे इसके नेगेटिव्स की बात करें, तो डू डैम एप्पल, क्यों यार, कम ऑन, हद होती है यार। मतलब कि यार स्पोर्ट्स नहीं है आप यार, सिर्फ दो इसके अंदर आपको USB-C के पोर्ट्स मिलेंगे, उस पर आप चार्ज भी कर सकते हो, उस पर आप डेटा ट्रांसफर के लिए ड्राइव्स भी लगा सकते हो। बट एट द एंड अगर बात आती है एक ऑलराउंडर मशीन की, तो दिस इज द बेस्ट, ये मेरी गारंटी है। गाइज, मैकबुक में ना आपको जो मोबिलिटी मिलती है, वो किसी और लैपटॉप में मुमकिन नहीं है। ये स्लिम, लाइट वेट और कॉम्पैक्ट है, इसके बावजूद भी आपको इसके अंदर कोई कमी नहीं दिखेगी। मतलब एक तो हैंडलिंग में ये टफ है, आपको काम करने में मजा आएगा, रिस्पॉन्सिव है और एक पावरफुल मशीन है। और इसको पावरफुल बनाता है एप्पल का अपना खुद का प्रोसेसर M1। गाइस, हो सकता है मैंने इसके अंदर कुछ पॉइंट्स कवर नहीं किए हों, लेकिन ये वीडियो सोलली सिर्फ इसलिए था कि एक एडिटर के लिए ये मशीन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, या एक एडिटर को ये मशीन क्यों लेनी चाहिए, सिर्फ इस पे बेस था। हो सकता है मैंने कोई चीजें मिस आउट कर दी हों, तो कमेंट में उनके बारे में आप मुझे पूछ सकते हैं अगर आपके पास कोई सवाल है। और गाइस, अभी भी कई लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और जिन्होंने किया है वो वीडियोज नहीं देख रहे हैं, तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, उन्हें शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और प्लीज़ ऐसा जो ये लाल रंग का बटन दिख रहा है ना, प्लीज़ उसे दबा दीजिए, जिसे सब्सक्राइब कहते हैं, प्लीज़। तो चलिए गाइज, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, टाटा। ओके, तो चलिए एक फ्लूक करते हैं। अगर इस वीडियो के 10,000 व्यूज हो जाते हैं और मेरे को और 500 सब्सक्राइबर मिल जाते हैं अगले हफ्ते तक, तो मैं अपने अगले वीडियो में एक बंडल का गिव अवे करूंगा, जिसके अंदर बहुत सारा रॉयल्टी फ्री म्यूजिक होगा, जिसको आप कमर्शियली यूज कर सकते हैं, और साउंड इफेक्ट्स होंगे। तो देखिए, अगर आपको चाहिए तो प्लीज यू हेल्प मी, आई विल हेल्प यू आउट।